हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तनुश्री किचन। आज मैं बना रही हूँ शुगर कोटेड शकरपारा। इसे हम लोग कोई भी त्यौहार में किसी भी समय में बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे शाम के नाश्ते में भी इसे बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी फेस्टिवल में, चाहे वो दिवाली हो, होली हो या फिर दशहरा हो, आप किसी भी फेस्टिवल में इसे बना सकते हैं। इसको बनाने की सही तकनीक मैं अपने वीडियो में बताई हूँ, उसे आप फॉलो कीजिए और आपके भी खस्ता शकरपारा बन के रेडी हो जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन कम्प्लीटली फ्री है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, आ रही है ना एकदम से खस्ता वाली आवाज़। तो इसी तरीके से शकरपारा आपको बनाना है ना, तो पूरी विधि देखिएगा। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा ले ली हूँ और इस मैदे को, ये रिफाइंड मैदा है तो इसलिए इसको चालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्गेनिक मैदा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं चुटकी भर नमक दे रही हूँ। इससे क्या होती है ना कि ये जो शकरपारा बन के रेडी होती है उसमें बहुत अच्छी एक टेस्ट आती है। ये है देसी घी, ये होती है ये एक ट्रिक। आप इसमें देसी घी डालिए, करीब ज़्यादा नहीं, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदे में 3 चम्मच देसी घी डाली हूँ और इसको जो है अच्छे से मोयम लगा लें, क्योंकि मैं यहाँ पर सोडा नहीं डाल रही हूँ और कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये देखिए, जब तक ये ढेल नहीं पकड़ती है ना तब तक आप पानी मत डालिएगा, अच्छे से मोयम लगाइए, फिर ढेल जब तक आती है तब तक आपको इसको मलते जाना है। धीरे धीरे पानी ऐड करके इसका एक सख्त भी नहीं, नरम भी नहीं, एक मीडियम टाइप का इसको गूंद के रेडी करना है। एकदम चपाती जैसी आपकी सॉफ्ट भी नहीं बनेगी, ये आपकी पूड़ी जैसी बन सकती है, क्योंकि ये समोसा की जैसी सख्त भी नहीं बनेगी और चपाती की जैसी नरम भी नहीं बनेगी। आपको इसको पूड़ी की जैसी ये एक सॉफ्ट आटा गूंद के रेडी करना है, मतलब मीडियम सॉफ्ट। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 5 मिनट्स के लिए ढक के रखी थी, अभी ये अच्छे से सेट हो चुकी है। ये चिकनाहट चाहिए आपको, जब भी ये आटे में चिकनाहट आने लगती है ना तभी आप समझ लीजिएगा कि आपका ये मैदा जो है रेडी हो गई है। अभी इसको मैं ये बड़े बड़े बॉल्स के साइज में करके और पेड़े के आकार में बनाकर ढक के रख दी। अभी मैंने यहाँ पर तेल को गर्म कर दी हूँ, अभी थोड़ा सा मैं इसमें तेल लगाऊंगी और ये बेलन में भी थोड़ा मैं तेल लगा लूँगी ताकि ये चिपके नहीं। और इसको अभी रोल कर ले अच्छे से, चारों तरफ से इक्वली रोल करना है आपको, मतलब एक तरफ मोटा एक तरफ पतला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं इसे चारों तरफ से राउंड एक इक्वली रोल करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी ये काफ़ी चकली जो है स्लिप कर रही है। ये देखिए, मैंने चारों तरफ से इसको इक्वली मैंने इसे रोल की हूँ और इसकी थिकनेस जो है, ये देखिए, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। इसे पलट दें, जैसे जिस तरफ से आपने रोल किए हैं उसको तुरंत आपको पलट देना है ताकि आपकी जो शकरपारा जब आप काटेंगे तब वो जो है इजीली फटाफट से निकल के आ जाए। आप अपने हिसाब से बड़े छोटे साइज कर ले या फिर आप इक्वल साइज भी रख सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, थोड़े बड़े साइज रखती हूँ फिर छोटे छोटे साइज कर लेती हूँ। इससे क्या होती है, शकरपारा देखने में बहुत अच्छी लगती है, मतलब इक्वल जैसी नहीं लगती है, थोड़ी डिफरेंट लगती है ये। अभी ये तेल जो है मीडियम गर्म है, आप देख सकते हैं। अभी इसको जो है हम लोग फ्राई कर लेंगे। अभी एक एक करके, अलग अलग करके आपने ये शकरपारा उठा लिए
अभी धीरे धीरे करके इसको ऐड कर करके ले। अब ध्यान रखें एक बात का, उंगली ना जल जाए। और इसे जो है मीडियम हीट में आपको इसको बनाते जाना है। मैंने एक और सेट बना ली हूँ और उसे थोड़ा मैं छोटा रखी हूँ। और ये देखिए मेरी ये लगभग से लगभग तैयार हो गई थी, इसलिए मैंने ये सारे उतार ली। अभी दूसरी जो सेट मैं बना के रखी थी उसे मैं डाल दी। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ क्योंकि क्या है ना, बहुत लंबा चल जाती है वीडियो, इसीलिए अभी मैं दूसरा भी बना के दिखा रही हूँ। मैं अभी एक सेट तो मैंने डाल के रखी हूँ, तो बीच बीच में मैं उसे भी ध्यान रखूँगी। इक्वली आपको इसे राउंड अप करना है। ये देखिए मैं ये भी थोड़ा हिला लेती हूँ इस वक्त में, ताकि वो भी जल ना जाए। हम औरतें जो है ना सुपर वुमन होते हैं, हम लोग है ना एक काम करते करते दूसरा काम भी अच्छे से कर लेते हैं, यही खूबी दी है भगवान ने हमें। तो ये हो गई आपकी ये थिकनेस भी मैंने दिखा दी हूँ, और इसे जो है फटाफट से काट लें। इसको खाने में बहुत टेस्टी लगती है और ये किसी भी त्यौहार में आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, एक तरह से बोले तो काफ़ी इजी रेसिपी है। अभी 250 ग्राम में मैंने 5 बॉल्स बनाए थे, उसमें से लगभग ये आधा किलो तक बन के रेडी हो जाती है, क्योंकि ये बाद में चाशनी में आती है ना, इसीलिए। अभी ये देखिए ये सेट भी मेरे लगभग से लगभग तैयार है। आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आप कलची को ऐसे ही थोड़ा नीचे में कढ़ाई के नीचे की तरफ थोड़ा सा हिलाएंगे ना, तो एक खरखर खरखर सा आवाज़ आता है, तो उसी वक्त में समझ में आ जाता है कि वो हो चुके। अभी ये चाशनी बनाने के लिए मैंने पतीला रख ली हूँ, और यहाँ पर मैं 250 ग्राम के करीब ये शक्कर डाल दी, और इसमें जस्ट हाफ टीस्पून, हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पर पानी दी हूँ, क्योंकि मुझे चाशनी जो है काफ़ी गाढ़ी चाहिए, क्योंकि गाढ़ी के बिना शक्करपारा बनेगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर कोटेड शक्करपारा बना रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी मुझे ये एक तार दो तार वाली चाशनी चाहिए इस बार। मैं हमेशा से बोलती हूँ चाशनी जो ज़्यादा गाढ़ी मत करो, ज़्यादा गाढ़ी मत करो, लेकिन ये शुगर कोटेड है तो इसमें गाढ़ी करना ज़रूरी है। अभी ये देखिए ये इसमें से अच्छे से उबाल आने लगी है। अभी जो कि है ये काफ़ी गर्म है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ये एक तार बन चुकी है एक्चुअली, थोड़ी झाग आ रही है, इसे मैं इसे उठा के फेंक दी। ये देखिए ये एक तार, हाँ ये एक तार बन रही है, चिपक रही है अच्छे से। ये देखिए ये फोकस ढंग से नहीं आ रही है, वरना एक तार दिख जाती। खैर ये एक तार बन चुकी है, अभी जो है मध्यम हीट में मैं इसे ये डाल रही हूँ। ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करना ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा हीट को मैं कम कर रही हूँ, और इसे जो है अच्छे से उबाल लें मीडियम हीट में। आप अगर ज़्यादा हीट देंगे ना तो ये जल जाएगी, इसीलिए ज़्यादा हीट ना दें, इसे मीडियम हीट में इसे हिला लें। और इसमें थोड़ा सा अभी ये चुटकी भर मैदा इसमें डाल दें। अभी जैसे ही आप मैदा डालेंगे ना, तो उसी वक्त में ये है ना सूखने लगती है, तो अभी थोड़ी जो है आपको मेहनत लगेगी। अभी इसे हिलाते जाएं, हिलाते जाएं, हिलाते जाएं, और जैसे जैसे ये ठंडा होती जाएगी, और उसी वक्त में जो है ये भी पकना स्टार्ट कर दी है, मतलब सूखना स्टार्ट कर दी है। पक तो गई है लेकिन ये अभी सूखना स्टार्ट कर दी है। विदाउट सूखे में ये पतला, अगर आपकी चाशनी पतला हो रही है तो आपको दूसरे तरफ से आपको चाशनी बना के देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इक्वल प्रोपोर्शन में सारे चीज़ लिए हुए हैं, ये देखिए ये कब लगभग से लगभग सूख चुकी है। देखिए ये परफेक्ट सूख चुकी है, जितनी ये ठंडा होती जाएगी ना, जैसे आप मैदा डालोगे उसी वक्त में ये ना अच्छे से कोट हो जाती है, और इतनी डिलीशियस बन जाती है। मैंने यहाँ पर इलायची का दाना वगैरह वगैरह कुछ नहीं दी हूँ, एकदम से सिंपल सी रखी हूँ। हाँ अगर आपको इसको ये आप कलर्स में भी बना सकते हैं,
अगर आपको गुड़ वाली कलर चाहिए ना, तो आप एक काम कीजिए, इसमें ना थोड़ा सा केसर के धागे, जैसे आप चाशनी बना रहे हैं तो उसी वक्त हम केसर के धागे पे डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी ये शुगर कोटेड शकरपारा बनके एकदम से कम्प्लीटली रेडी हो गई है। आप भी जरूर अपने घर पे इसे बनाइए, खाइए और आनंद से अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।